सो हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल तिवारी एंड यू वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल राहुल। दोस्तों, यहाँ पर इन्फिनिक्स अपना एक नया स्मार्टफोन फिर से लॉन्च करने वाला है और यहाँ पर ये जो स्मार्टफोन होने वाला है वो काफी कम प्राइसेज में काफी सारे फीचर्स आपको यहाँ पर इस स्मार्टफोन में देखने के लिए मिलेंगे। और यहाँ पर ये जो स्मार्टफोन है वो यहाँ पर इन्फिनिक्स S5 का अपग्रेडेड वर्जन यहाँ पर होने वाला है। यहाँ पर हम इस स्मार्टफोन को इन्फिनिक्स S5 प्रो यहाँ पर कह सकते हैं। हालांकि यहाँ पर इस स्मार्टफोन का क्या नाम है, इन्फिनिक्स S5 प्रो है कि इन्फिनिक्स S5 प्लस है, इसके ऊपर कोई भी अपडेट यहाँ पर नहीं आई है। लेकिन ये चीज आज यहाँ पर कंपनी ने कंफर्म कर दी है कि इन्फिनिक्स S5 का अपग्रेडेड वर्जन यहाँ पर आने वाला है और ये जो स्मार्टफोन है वो नवंबर के फर्स्ट वीक में यहाँ पर लॉन्च हो सकता है। और यहाँ पर इस स्मार्टफोन में क्या कुछ फीचर्स होने वाले हैं वो भी कुछ लीक्स के द्वारा यहाँ पर निकल करके आ चुके हैं। हालांकि कंफर्म फीचर भी पता नहीं है कि क्या कुछ फीचर्स इस स्मार्टफोन में यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन मैं बात करता हूँ एक्सपेक्टेड फीचर्स की, तो कुछ एक्सपेक्टेड फीचर्स यहाँ पर आए हैं और साथ में इस स्मार्टफोन की क्या प्राइस होने वाली है इसके ऊपर भी कुछ लीक्स जो है वो यहाँ पर निकल करके आई है। तो आज के इस वीडियो से बात करने वाला उसी नए स्मार्टफोन के सभी फीचर्स के बारे में, क्या कुछ फीचर्स आपको यहाँ पर इस स्मार्टफोन में देखने के लिए मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर मैं बता दूं, यहाँ पर इन्फिनिक्स पिछले महीने अपना एक नया स्मार्टफोन यहाँ पर लॉन्च किया था जिसका नाम था इन्फिनिक्स S5। यहाँ पर जो स्मार्टफोन है इसमें आपको क्वाड कैमरा देखने के लिए मिलता है और भी काफी सारे फीचर्स आपको काफी कम प्राइस में यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर जो इन्फिनिक्स का S5 प्रो होने वाला है इसमें आपको यहाँ पर 6GB रैम और 128GB स्टोरेज यहाँ पर मिलने वाला है। यहाँ पर जो रैम वेरियंट है इसको यहाँ पर बढ़ा दिया गया है क्योंकि उसका अपग्रेडेड वर्जन यहाँ पर ये स्मार्टफोन होने वाला है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर इस स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में, तो यहाँ पर इस स्मार्टफोन का प्रोसेसर जो है उसमें भी उसको भी यहाँ पर अपग्रेड किया जाएगा जैसा कि लीक्स के द्वारा यहाँ पर पता चला है। अब यहाँ पर एक्चुअल में होता है या फिर नहीं होता है ये अभी यहाँ पर देखना बाकी है। दोस्तों, मैं बात करता हूँ यहाँ पर इस स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में, तो यहाँ पर आपको मीडियाटेक का हीलियो P60 प्रोसेसर यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है इन्फिनिक्स के S5 प्रो में। और यहाँ पर मैं बात करता हूँ कैमरे क्वालिटी के बारे में, तो यहाँ पर आपको क्वाड रियर कैमरा, 4 कैमरा पीछे की साइड यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। और यहाँ पर जो मेन सेंसर दिया जाएगा वो है यहाँ पर 48 मेगापिक्सल का। अब यहाँ पर एक्चुअल में कितने मेगापिक्सल का कैमरा होने वाला है ये अभी देखना बाकी है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर लीक्स की, तो यहाँ पर आपको 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा देखने के लिए मिल सकता है। अगर ऐसा होता है तो ये जो स्मार्टफोन है वो यहाँ पर रेडमी नोट 8 को यहाँ पर खरी टक्कर दे देगा। अगर मैं बात करता हूँ इस स्मार्टफोन के फ्रंट कैमरे के बारे में, तो पंच होल डिस्प्ले डिजाइन के साथ आपको 32 मेगापिक्सल का सेम वही फ्रंट कैमरा देखने के लिए मिलेगा जो कि यहाँ पर इन्फिनिक्स के S5 में देखने के लिए मिला था। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर इस स्मार्टफोन के और भी डिटेल की बात करता हूँ बैटरी कैपेसिटी के बारे में, तो 4000mAh की बैटरी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी जैसा कि पहले यहाँ पर इन्फिनिक्स के S5 में देखने के लिए मिली थी। और यहाँ पर आपको पीछे की साइड फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक का भी ऑप्शन दिया जाएगा। दोस्तों, ये है कुछ फीचर्स जो कि यहाँ पर लीक्स के द्वारा निकल कर के आए हैं जो कि इस स्मार्टफोन में आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगे। और देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ कंफर्म फीचर्स निकल करके आते हैं इसी नए इन्फिनिक्स के S5 प्रो में। और दोस्तों, मैं बात करता हूँ यहाँ पर इस स्मार्टफोन की प्राइस के बारे में, तो इस स्मार्टफोन की जो प्राइस है वो यहाँ पर 9 से 10 हज़ार रुपये के बीच में यहाँ पर होने वाली है। यानी काफी कम प्राइस में काफी सारे फीचर्स आपको इस स्मार्टफोन में यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। दोस्तों, ये था कुछ इस वीडियो में। आशा करता हूँ छोटी जानकारी को समय आ गई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर दीजिएगा। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करने वाले प्रेस कर लीजिएगा।